ये देखिए प्याज है हरा हरा, बहुत ही टेस्टी लगता है इसका भाजी। मैं इसे बना रही स्पेशल प्याज का, इसमें हल्का आलू भी डालूंगी। इसे अच्छे से चलिए साफ करके धो के काट रहे हैं, बीच उसके में बाद हाँ चलते हैं आगे वीडियो में। देखिए इस हमरा तरीके से रहे। करके आप काट के धो लीजिए। इधर देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अनीता जस्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए इसे अच्छे से कढ़ाई को गर्म करने दीजिए, उसके बाद तेल को अच्छे से फैला दीजिए। फैला देने से होता क्या है कि चिपकता नहीं है, जो भी आप सब्जी खोलिए अपना तो आप कढ़ाई में से डाल दीजिएगा तो चिपकेगा नहीं। इसमें सिर्फ मिर्ची मैं डाली हूँ, ये मिर्ची का डंठल लिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा भाजी कैसा लगा। ये देखिए प्याज है, एक दो चाय प्याज से ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। रोटी भी अच्छा खाइए, चावल डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। प्याज चावल प्याज है तो भाजी भी बनता है। आलू आलू को जितना महंगा डालेगा प्याज ज़्यादा हो जाएगा। आप इसे अच्छे से मिला दीजिए, मिला के ढक दीजिए, फिर जैसे पानी छूटता है पानी से ही पक जाएगा। बीच में ढक दीजिए, देखिए कितना अच्छा पानी छोटे गल चुके हैं। इसमें नमक डाल दीजिए, नमक आप ज़्यादा मत डालेंगे इसलिए कि इसमें प्याज है, प्याज कम हो जाएंगे सूख जाएंगे, इसलिए नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसलिए कि देखिए सिर्फ आलू बच जाएंगे, प्याज उड़ा बच जाएगा। देखिए कितना अच्छा भुजिया भुजा चुका है, ये बिना मसाला का है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में रोटी के साथ। गर्मी के मौसम में नया नया प्याज है ये, ऐसे बनाइए रोटी पराठा के साथ, ये बहुत ही मस्त लगता है। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धनिया पत्ता है आपके पास नहीं है तो मत डालिए, ये मेरे पास डाल दें। देखिए हमारा भुजिया तैयार हो चुका है।